रीवा में पानी की समस्या भीषण हो गई है, बिजली की समस्या से तो इस कदर है कि आधे गांव में लाइट ही नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन की शक्ल में पहुंच गई। रीवा कलेक्ट्रेट परिसर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, उचित कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस कमेटी बिजली पानी सड़क जैसी समस्या को लेकर रीवा के कलेक्टर के पास पहुंची। बिजली पानी ओलावृष्टि का मुआवजा जैसी आम आदमी की समस्या को लेकर रीवा जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है, भीषण गर्मी में इन दिनों पानी को लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत की आपूर्ति हो ही नहीं रही है, जगह जगह ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। पिछले दिनों आंधी तूफान की वजह से बिजली के खंभे जो गिर गए थे उसको भी विद्युत विभाग ने दुरुस्त नहीं किया है। जल जीवन मिशन के तहत व्याप्त भ्रष्टाचार, योजनाओं का ठप होना, हैंडपंप का बंद होना, पिछले दिनों ओलावृष्टि की वजह से फसलों का नुकसान का सही आकलन नहीं किया गया, ना ही भुगतान किया जा रहा है। विद्युत विभाग के द्वारा अघोषित कटौती की जा रही है। अधिकांश ट्रांसफार्मर जल गए, विद्युत विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। रीवा जिला कांग्रेस कमेटी चाहती है रीवा जिले में बंद हैंडपंप को राइजर पाइप को बढ़ाया जाए, जिससे उसमें पानी आ जाए। सूखे हुए हैंडपंपों नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप खनन कराए जाएँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत रीवा जिले में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्य तत्काल पूर्ण कराए जाएं। ओलावृष्टि की वजह से फसलों के नुकसान के सही आकलन कराए जाएं, सही मुआवजा दिया जाए। रीवा जिले में जितनी भी सड़कें निर्माणाधीन हैं बरसात के पहले पूर्ण कराई जाए, जिससे आवागमन बेहतर सुचारू रूप से चालू रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपने के बाद कुछ इस तरीके से बातचीत में कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमारे इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, पूरे जिले में पेयजल संकट है, पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पहले हुआ करती थी और जो वर्तमान में जल जीवन मिशन की स्कीम्स हैं, ये कोई भी मिशन कोई भी स्कीम्स जो है वो जमीनी हकीकत उसकी शून्य है, कोई काम नहीं हो रहा। हमने मैडम का ध्यान इसमें कलेक्टर मैडम का आकर्षित किया है, हमने कहा है वो इसकी समीक्षा करें। और हम लोग कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लोग एक पंचायत वार इसका आकलन कर रहे हैं पूरे ज़िले का, और उसको लेके हम फिर मैडम के पास 10 दिन बाद आएंगे और ये भी अपनी समीक्षा करके रखें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इसके अलावा बिजली की जो समस्या चल रही है, अघोषित कटौती हो रही है, तूफान और जब आंधी आती है तो जो हमारे खंभे गिर जाते हैं, जो केबलें टूट जाती हैं उनका सुधार कार्य नहीं हो रहा, जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे, इस पर भी हम लोगों ने मैडम से चर्चा की। इसके अलावा कुछ और विषय थे जो जनता से जुड़े हुए थे, उन पर भी हमने उनका ध्यान आकर्षित कराया है। और अवैध उत्खनन का मामला है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कानून व्यवस्था की बात है। लगभग आप तो मीडिया से जुड़े हो, अक्सर रोज ही एक मर्डर हो जाता है, कहीं अपहरण हो रहे हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। हमारा उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिले के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के लिए प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहती है, पर प्रशासन की ओर से अगर हमको वांछित सहयोग नहीं मिलता, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि नीचे के अधिकारी भी हमको सहयोग दें, जो आज की तारीख में सहयोग नहीं दे रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता की लड़ाई को हम लोग बृहद रूप से लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क तक ले जाएंगे और भारी धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम किए जाएंगे। ओलावृष्टि, क्षतिवृष्टि और आगजनी, इससे जो क्षति हुई है किसानों की फसलों का, उसका एक तो सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा, और मूल्यांकन जहाँ कहीं हुआ भी है थोड़ा बहुत, तो आज तक वो राशि दी नहीं गई। तो इसके भुगतान को तत्काल सुनिश्चित करें, सही आकलन कराएं और भुगतान करें, ये भी हमारे इस मांग पत्र में था। ग्रामीण अंचलों में काफी ज्यादा पानी किल्लत है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र उसके लिए दिया गया है। अभी दिया गया, आज उसी विषय पे दिया गया, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया कराया गया है। कुछ गांवों के नाम बताए गए हैं और साथ में हमने ये कहा है आप अपनी समीक्षा करिए,
आप स्वयं देखिए अपने पीएचई कार्यालय से कहाँ कैसी स्थिति है, हम भी एक समीक्षा करेंगे और हम उस समीक्षा को लेकर और बहुत जल्दी मिलेंगे प्रशासन से। चलिए, धन्यवाद।